हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब अपने घरों में बढ़िया फिट एंड फाइन होंगे। तो जी, आज जो है 2nd of October है, मेरी मम्मी का, हमारे चौधरी साहब सेनापति का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारे घर के महात्मा गांधी का। ये पीछे भाई साहब गुब्बारे खरीदते घूम रहे हैं। अभी केक का ऑर्डर हमने 4-5 दिन पहले दे दिया था, वो केक उठाने जाएंगे अभी। यहाँ से केक उठाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन बैठता है। भाई ये केक बनवाया, हैप्पी बर्थडे मॉम का, सुंदर है ना, ऑर्डर पे बनवाया। ये देखो बलून लेके आई है, और ये गिफ्ट है इसका, ये है बलून वाली लड़की। देखो जी, यहाँ पे मम्मी के हैप्पी बर्थडे की तैयारी चल रही है। गिफ्ट कह रहा हूँ, केक आया ही है यहाँ पे, बनवाया हमने ऑर्डर पे, ऑर्डर दाके। ये देखो हमारा सेनापति, गुब्बारे लग गए एकदम। अब इसका केक कटेगा, इसका सेनापति का सेनापति का केक कटेगा। टोपी पोपी पूरी लगा दी गई है एकदम। देखो सेनापति का सेटअप पूरा, ऐसे देखो हमारा गोल मटोल सेनापति इसके पीछे। अब अभी जस्ट मम्मी का बर्थडे मना के हटा, ये देखो ये रखा केक यहाँ पे। ये अपने बैग वैग पड़े, कैमरा वगैरह पड़ा, लेके बस अब निकल रहे हैं यहाँ से रोड ट्रिप पे। अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ क्या बनेगा, तो आपसे गाड़ी मिलते हैं तैयार होकर। तो भाई अब हम अपना जो है रोड ट्रिप पे निकल चुके हैं, वैगन आर का फिर से वही एज अ 2-सीटर कार यूज़ करा जा रहा निकल। अभी तक डिसाइड करा है कि देहरादून जाके रुकेंगे आज, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं, निकलने का कोई टाइम है नहीं है, वैसे बस निकल गए ऐसे ही। तो 2:30 बजे निकले हैं यहाँ से, मूड करा निकल गए, मुँह उठा के ही निकले हैं सच में इस बार। तो देहरादून जाके रुक जाएंगे आज, फिर कल जो है धनौल्टी वनौल्टी चले जाएंगे वहाँ से, या चक्राता निकल जाएंगे, देखो क्या हिसाब किताब बैठता। तो वैसे हमारा कहीं और जाने का था, बट ऐसी है मूड की बात है, चल पड़े हैं अभी। अब कहीं जहाँ रुकेंगे वहाँ आपको बताएंगे भाई। मुझे ये बता दो, किसने मेरे ऊपर जादू टोना करवा रखा है? मैं जिस लाइन में लग जाऊँ ना साला, वो लाइन नहीं चल सकती टोल की। दुनिया की चल रही है, मैं साला खड़ा हूँ। ये कैमरा ऑन करने के बाद जो है 10 इंच खिसकी है, खिसकी है, नहीं तो जो मेरे साथ लाइन में लगे थे वो वहाँ पहुँच लिए और मैं यहीं खड़ा हूँ। किसने टोना करवा रखा है भाई मेरे ऊपर, क्या दिक्कत है, कुछ है तो बता दो। और वैसे हम जो है मेरठ पार करके, और ये पहला टोल आता है, पता नहीं कौन से पुर का आता है, मेरे को नाम भूल गया मैं, तो वो अरे नहीं शाहजहाँपुर आंटी 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 का ये लोग बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग ना गाड़ी में बैठने लायक नहीं होते, इन्हें सालों को DTC में भेजना चाहिए। ये वोमिटिंग पता नहीं क्या है, ऐसी गंदी हरकत है। ये देखो वैगन आर का एज अ 2-सीटर यूज हुआ रहा है यहाँ पे, पूरा सामान पड़ा हुआ मस्त अपना हमारा। तो मेरठ के बाद जो पहला टोल आता है वहाँ पहुँच गए, उस हाईवे पर तो टोल लगता नहीं, वो हाईवे अभी इतनी अच्छी हालत में, नया बना है तब इतना अच्छा, एकदम फर्राटा। तो अब चल रहे हैं भाई बस, और फिर जब कहीं पहुंचते हैं तो आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। अभी रुकेंगे वैसे चाय वाय के लिए ना, कहीं स्टॉपेज लेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। बस भाई CNG की गाड़ी के यही थोड़े से वो हैं ड्रॉबैक्स। हम अच्छी स्पीड मेंटेन करके आ रहे थे, पर CNG लेनी है, एक जगह रुकना पड़ा था, मैंने कहा एक जगह लाइन लगानी है तो 5-10 मिनट लगाने पड़ते हैं, पर कोई नहीं भाई क्या करें, अब है तो है, पैसे बचाती है। तो बस अभी मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं भाई, मेरठ पार करके मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं, पड़ा एक देनी से, यहाँ से 150 किलोमीटर और दिखा रहा, तो वही 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको देहरादून घुमाएंगे अपने साथ, जो हम देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे, जो हम खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे। क्योंकि इस बार अभी तो रास्ते से ना हमें टमाटर प्याज की भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि हम इस बार इंडक्शन ले गए हैं, तो होटल में ही बनाने बैठ जाएंगे, नया एक्सपीरियंस करवाएंगे आपको कुछ, बस ऐसी है। सूरज देवता अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा फोटो सेशन कर ले, यहीं रुके हैं रोड पे साइड में हाईवे पे। हम देखो चल दिए थे यहाँ से, हम वहाँ खड़े थे पीछे, हम 100 मीटर आ गया, हमें याद आया कि हमने चश्मा बोनट पे ही छोड़ दिया, फिर अंदर बैठ के उसने चश्मा मांगा, चश्मा दे दे, दुनिया HD में नहीं दिख रही, मैं कहा ओहो चश्मा तो बोनट पे रह गया। लो जी चश्मा उस्ताद जी, चश्मा कोने से बाहर छोड़ देता है, मेरे को याद ही नहीं था कि चश्मा भी लेके चलना। भाई अब मुजफ्फरनगर आने वाला, बस चल रहे हैं बढ़िया यहाँ से फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो शक्ल के तोते उड़े हुए देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, रात के 11 बज रहे हैं इस टाइम, खाना
खाया भी नहीं है अभी कुछ, खाने पीने का अपनी तैयारी चल रही है, वो सब खाएंगे पिएंगे। खाने पीने की भी तैयारी क्या चल रही है यहाँ, देखो देखो इंडक्शन लेके आए हैं, कुकिंग चल रही है यहाँ पे। तब जो खाना बनेगा खाना खाएंगे और फिर सोएंगे, रात के 11 बज रहे हैं। बस भाई अभी इतना ही है, बाकी सुबह उठते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं वो आपको दिखाएंगे फिर आगे, ठीक है जी। आगे का प्लान जो है वो हमारा CNG पर डिपेंड करता है कि CNG कहाँ मिलेगी। तो सुबह यहाँ पे है एक CNG पंप जिसमें अभी रात को ख़त्म थी, तो सुबह जाके देखेंगे मिलती है नहीं मिलती, तो आपको वो दिखाएंगे, फिर आगे की जर्नी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो अ वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अब यहाँ गाड़ी में से गुड मॉर्निंग, मैं इस गुड मॉर्निंग से पहले ना सर पे चले जा मेरे, इस गुड मॉर्निंग से पहले मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ। देखो भाई लाइन भयंकर लाइन है देहरादून में, क्योंकि वीकेंड था तो भीड़ की वजह से लाइन काफ़ी थी यहाँ पे, वीकेंड था तो भीड़ की वजह से लाइन काफ़ी थी। पर भाई अपना काम हो गया, डल गया CNG, नहीं तो प्लान ऐसे ऐसे हो जाता। कौन डलवाए 105 रुपये का पेट्रोल भाई, तो ऐसी 12 साल पुरानी गाड़ी एवरेज देती नहीं कुछ। तो CNG डल गया, अब यहाँ से जाएंगे सीधा धनौल्टी, उसके लिए देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट को इतने ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।